परिवार की खुशियों में लगाकर आग, आज वो चिता जल रही है। परिवार की खुशियों में लगाकर आग, आज वो चिता जल रही है। जिस घर में होती थी कभी खुशियों की किलकारियां, आज उस घर में रोती हुई आवाजें दहक रही है। जिस दिन दिया था उस युवक ने नशे का साथ, वो दिन काश न होता तो आज इस परिवार की खुशियों का नाश न होता। नमस्कार, हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जुंगा के छात्र और छात्राएं आज आप लोगों के समक्ष नशे पर एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो वर्तमान समय में युवक और युवतियों में तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम आज आप लोगों के समक्ष इस विषय में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें छात्र और छात्रा अपने बुरे दोस्तों की संगत में आकर अपने पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आइए देखें। बेटा, खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें वो हर एक खुशी देंगे जो तुम चाहते हो। ठीक है माँ, मैं मन लगा के पढ़ाई करूँगा। जाइए, आप रेस्ट कर लो। अच्छा राहुल सुनो, तुम ट्यूशन सेंटर कितने बजे जाओगे? ज्योति पूछ रही थी। बस माँ, थोड़ी देर से। अच्छा ठीक है। राहुल, राहुल। हाँ? जल्दी आओ, टाइम हो चुका है। ठीक है। आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर दी? नहीं, अभी मेरी थोड़ी पेंडिंग है। ओके। अरे ओ राहुल। हाँ बोलो। हम इतने बुरे भी नहीं जितने। अरे राहुल, हमें नोट चाहिए थे, कोई नहीं दे दूंगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे ये कोई करने की चीज है? अरे यार, ये लो, ये क्या है? अरे क्या है तो बोलो, ये तुम्हें जन्नत की सैर कह रहा है। अरे पी लो तुम। अरे अरे, जन्नत की सैर तो करो यार। अरे ये क्या बता रहे हो? पार्टी के अरे दोस्त डॉक्टर साहब, राहुल ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, ये इतना आसान भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि राहुल जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। नशे की चीजों का सेवन करना कुछ मिनटों के लिए आनंद देता है, लेकिन इनका परिणाम अच्छा नहीं होता। ये इंसान को हर तरह से बर्बाद कर देता है। नशीली चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। याद रखिए, नशा एक जहर है। धन्यवाद।